कमला भंसाली की अगली फिल्म में साथ दिखाई दे सकते हैं एक्स लव बर्ड्स रणबीर कपूर और दीपिका पाडुकोण। क्या इस फिल्म के लिए पहली चॉइस रणवीर सिंह थे? क्या रणबीर ने रणवीर सिंह को कर दिया है रिप्लेस? वेल, यहाँ हम बात कर रहे हैं भंसाली की फिल्म बैजू बावरा की। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। एक्स लव बर्ड्स रणबीर कपूर और दीपिका पाडुकोण संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा में बतौर लीड रोल दिखाई दे सकते हैं। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर और दीपिका की जोड़ी पर्दे पर दमदार है और भंसाली दोनों अभिनेताओं के साथ पर्दे पर जादू पैदा करना चाहते हैं। मेकर्स दोनों से फिल्म को लेकर बातचीत कर रहे हैं, हालांकि दोनों में से अब तक किसी ने फिल्म साइन नहीं की है। इस फिल्म को लेकर पिछले साल खबर आई थी कि भंसाली रणवीर सिंह को कास्ट करने वाले थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक संजय लीला भंसाली रणवीर सिंह के साथ भविष्य में फिर से काम करेंगे, लेकिन वो लगातार चौथी बार रियल लाइफ जोड़ी को दोहराना नहीं चाहते हैं। यानी कि रणवीर सिंह नहीं तो मेकर्स ने सोच लिया रणबीर कपूर। यानी कि खबर सच हुई तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि भंसाली ने मारा है सिक्सर। आपको बता दें कि फिल्म बैजू बावरा एक मशहूर म्यूजिशियन की रिवेंज स्टोरी बताई जा रही है और इसे 2021 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। ये फिल्म 1952 की फिल्म के ऑफिशियल रीमेक है। खैर, रणवीर नहीं तो रणबीर ही सही, दीपिका के साथ पर्दे पर दोनों ही मैजिकल केमिस्ट्री क्रिएट करते आए हैं। वेल, आप हमें बताएं कि रणबीर और दीपिका दोबारा बड़े पर्दे पर, कितने एक्साइटेड है आप? पोस्ट करिए अपने कम...